अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एम सी क्यूज सीरीज़ जैसे कि आपका मालूम है कि हम इनहेरिटेंस के चैप्टर से जो है डिफरेंट टॉपिक्स के एम सी क्यूज डिस्कस कर रहे हैं तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है सेक्स क्रोमोसोम्स का तो इसके डिफरेंट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है उससे डिफरेंट एम सी क्यूज लिए गए वन बाई वन उनको डिस्कस करेंगे राइट right ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन करेक्ट होगा देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है और उसके पीछे जो रीज़न है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे पास जो एम सी नंबर वन है व्हाट डिस्कवरी लेड टू द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जेनेटिक बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किस डिस्कवरी से जो है वो हमारे पास जो है क्लियर हुई द डिस्कवरी ऑफ मैंडल्स लॉ इनहेरीटेंस द डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम डिस्कवरी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिस्कवरी ऑफ म्यूसिस तो हमारे पास जो है मैंडल्स ने जो लॉ दिए थे इनहेरीटेंस के जब उनकी डिस्कवरी हुई नाइन्टीज में नाइन्टीन हंड्रेड में तो उसमें जो है वो हमारे पास जाकर जो है फिर उसके बाद जो है सेक्स डिटर्मिनेशन की जेनेटिक बेस की तरफ जो है वो डिस्कवरी जो है वो स्टार्ट हुई तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास अल्फा ऑप्शन जो है राइट होगा नेक्स्ट है हमारे पास एमसी क्वेश्चन नंबर टू वट डिड टी एच मॉर्गन ऑब्जर्व इन द क्रोमोसोम ऑफ मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला मिलानो जो हमारे पास एक मक्खी है उसमें जो है मेल और फीमेल के जो क्रोमोसोम्स थे उसमें जो है वो टी एच मॉर्गन ने क्या जो है चीज़ ऑब्जर्व की आल क्रोमोसोम पेयर आइडेंटिकल इन बोथ सेक्सेस आल क्रोमोसोम पेयर वर डिफरेंट इन बोथ सेक्सेस थ्री होमोलोग पेयर वाज सिमिलर बट द फोर्थ पेयर वाज डिफरेंट ओनली द एट क्रोमोसोम पेयर वाज डिफरेंट ओनली द फर्स्ट क्रोमोसोम पेयर वाज डिफरेंट तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर जो है इसमें हमारे पास जो है टोटल एट क्रोमोसोम्स जो हैं वो पाए जाते हैं यानी इसका मतलब है कि हमारे पास जो है फोर पेयर्स होंगे फोर होमोलोगस पेयर्स होंगे और इसमें जो है वो हमारे पास जो है थ्री जो है वो ऑटोसोम होते हैं फर्स्ट थ्री जो होते हैं और जो हमारे पास फोर्थ होता है वो हमारे पास जो है सेक्स क्रोमोसोम होता है और सेक्स क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है वो हमारे पास जो है डिफरेंट होता है तो यहाँ पर थ्री होमोलोगस पेयर वाज सिमिलर बट द फोर्थ पेयर वाज डिफरेंट और ये मेल और फीमेल में अलग अलग होता है नेक्स्ट है हमारे पास एम नंबर क्वेश्चन थ्री इन द ड्रोसोफिला व्हाट टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स डू फीमेल हैव यानी फीमेल्स में ड्रोसोफिला की फीमेल में जो है कौन से टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वन एक्स एंड वन वाई क्रोमोसोम टू वाई क्रोमोसोम्स टू एक्स क्रोमोसोम्स वन रोड शेप एक्स क्रोमोसोम एंड वन वाई जे शेप वाई क्रोमोसोम तो हमारे पास जो है यहाँ पर फीमेल्स का पूछे तो फीमेल्स में जो है वो हमारे पास टू एक्स क्रोमोसोम ही हैं और ये ड्रोसोफिला की हो या चाहे ह्यूमन की फ़ीमेल हो या फिर ग्रास ओपर की फीमेल हो तो उनमें सिर्फ सिर्फ जो से सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है उसमें टू एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं जबकि यहाँ पर ड्रोसोफिला के अगर हम मेल की बात करें तो इसमें वन रोड शेप्ड एक्स होगा और वन जे शेप्ड वाई क्रोमोसोम होगा अगर हमारे पास जो है। मेल के सेक्स uh, क्रोमोसोम्स की बात हो नेक्स्ट है हमारे पास एम सी नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ऑटोसोम आटोसोम के मतलब कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है आटोसोम्स कैरी सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स रॉन्ग है ये हमारे पास जो है सेक्स क्रोमोसोम्स पर होते हैं आटोसोम्स डू नॉट कैरी एन सेक्स डिटरमाइनिंग जीन तो ये हमारे पास राइट है आटोसोम्स आर ऑलवेज स्मॉलर दैन सेक्स क्रोमोसोम रॉन्ग है आटोसोम्स डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल ये भी रॉन्ग है बल्कि ये हमारे पास जो सेम होते हैं मेल और फीमेल में डिफरेंट जो होते हैं वो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन जो है वो हमारे पास राइट होगा नेक्स्ट है हमारे पास एम सी क्यूज नंबर फाइव है होमैनी पेयज ऑफ ऑटोसोम्स डू हुमन हैव यानी हमारे पास जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें कितने पेयर जो है वो ऑटोसोम्स के होते हैं ट्वेंटी टू पेयर ट्वेंटी थ्री पेयर ट्वेंटी फोर पेयर ट्वेंटी वन पेयर तो हमारे पास जो है टोटल जो है वो ट्वेंटी थ्री पेयर्स होते हैं यानी हमारे पास जो है फोटी सिक्स क्रोमोसोम्स टोटल होते हैं फोटी सिक्स क्रोमोसोम्स उनमें जो फोटी फ़ोर होते हैं वो हमारे पास ऑटोसोम्स होते हैं यानी ट्वेंटी टू पेयर्स जो है वो हमारे पास जो है वो ऑटोसोम्स के होते हैं और उनमें जो ट्वेंटी थर्ड पेयर होता है वो हमारे पास एक्स क्रोमोसोम होता है तोल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा नेक्स्ट है हमारे पास एम सी क्वेश्चन नंबर सिक्स वट इज द कम्पोजिशन ऑफ ट्वेंटी थर्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन वुमन फीमेल ट्वेंटी थर्ड पेयर जो क्रोमोसोम का होता है वो हमारे पास जो है सेक्स क्रोमोसोम होता है और उसकी जो है वो कम्पोजिशन पूछी है हमारे पास फीमेल्स में वुमेन्स की तो वो मैंने आपको पहले बताया था कि फीमेल्स में जो है वुमेन की वो हमेशा टू एक्स क्रोमोसोम ही होंगे जबकि हमारे पास जो मेल होगा उसमें हमारे पास वन ए, एक्स और वन वाई जो क्रोमोसोम है वो होगा और वो हमारे पास ड्रोसोफिला और हमारे पास वुमेन्स मेल में जो है वो सेम है वन एक्स और वन वाई क्रोमोसोम होगा फीमेल में कभी भी जो है वो हमारे पास वाई क्रोमोसोम नहीं हो सकता नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर सेवन है व्हाट जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल डिटर्मिनेशन इन वुमेंस मेल डिटर्मिनेशन जो है वूमेंस में वो कौन सा जीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एस आर वाई जीन एक्स आई एस टी जीन जेड एफ वाई जीन एस ओ एक्स नाइन जीन तो हमारे पास जो है एस आर वाई जीन जो होता है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन द वाई क्रोमोसोम इसका पूरा नाम है और ये हमारे पास वाई क्रोमोसोम के शॉर्ट जो होता है आर्म उस पर पाया जाता है तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा नेक्स्ट है हमारे पास एम सी क्वेश्चन एट इसी के मतलब है वेयर इज द एस आर वाई जीन लोकेटेड एस आर वाई जीन कहाँ पर लोकेट होता है ऑन द लॉन्ग आर्म ऑफ द एक्स क्रोमोसोम ये रॉन्ग है ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ द वाई क्रोमोसोम तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि शॉर्ट आर्म ऑफ वाई क्रोमोसोम पर जो है वो हमारे पास जो है एस वाई जीन पाया जाता है और इसका नाम ही जो है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई तो ये हमारे पास जो है सेक्स डिटरमाइन करता है मेल में और वाई जो क्रोमोसोम है वो हमेशा हमारे पास मेल में पाया जाता है तो ये हमारे पास जो है बी टाप्स यहाँ पर जो है राइट right होगा नेक्स्ट है हमारे पास एम सी क्यूज नंबर नाइन है इन सम ग्रास ओपर्स वाट इज़ द क्रोमोसोम कम्पोजिशन ऑफ मेल्स क्रोमोसोम कम्पोजिशन मेल्स में जो है वो क्या होती है ग्रास ओपज में तो ग्रास ओपज के मतलब हम देख लेते हैं टोटल हमारे पास जो है ट्वेंटी फोर जो है क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास जो है फीमेल्स में अब मैं इनको ग्रास ओपज़ का मेल फीमेल आपको दोनों का बता देता हूँ ट्वेंटी फेव पेयर क्रोमोसोम्स के होते हैं फीमेल्स में और उनमें जो है वो हमारे पास जो है एलेवन पेयर जो होते हैं वो हमारे पास जो है आटोसोम्स के होते हैं और प्लस वन पेयर जो होता है वो हमारे पास एक्स एक्स का होता है फीमेल्स में जबकि हमारे पास जो मेल्स होते हैं उनमें हमारे पास जो है ट्वेंटी थ्री क्रोमोसोम जो है वो टोटल होते हैं और उनमें जो है वो हमारे पास एलेवन पेयर्स जो है वो हमेशा आटोसोम के आ जाएंगे और उसके अलावा जो है सिर्फ हमारे पास एक्स क्रोमोसोम है और जो ट्वेंटी फोर्थ क्रोमोसोम होता है हमारे पास मेल्स में वो मिसिंग होता है यहाँ तो इसको जो है वो हम एक्स ओ से डोनेट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है ग्रास ओपस के मतलब पूछा है मेल की कंपोजिशन पूछिए तो ये हमारे पास चार ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा एक्स ओ क्रोमोसोम टोटल ट्वेंटी थ्री क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास मेल्स में ग्रास ओपस में उनमें लेवन पेयर जो है यानी ट्वेंटी टू क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास आटोसोम होंगे और ट्वेंटी थर्ड जो हमारे पास जो है क्रोमोसोम एक्स होगा और ट्वेंटी फोर्थ जो क्रोमोसोम होगा वो मिसिंग होगा इसलिए एक्स हो से हम जो है ग्रास ओपज में शो करते हैं और फीमेल हमेशा जो है वो हमारे पास जो है एक्स एक्स सी होगी हमारे पास जो है ग्रास ओपज हो चाहे ड्रोसोफिला हो चाहे व्युमेंस की फीमेल हो नेक्स्ट है हमारे पास एमसी क्वेश्चन नंबर टेन है हाउ मैनी क्रोमोसोम्स डू अ फीमेल ग्रास ओपज है फीमेल ग्रास ओपस में कितने क्रोमोसोम होते है? 22, 23, 24, 25, तो 24 हैं ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फोर क्रोमोसोम होते हैं फीमेल्स में मेल्स में हमारे पास जो है ट्वेंटी

तो वाई क्रोमोसोम इज रॉड शेप्ड एंड एक्स क्रोमोसोम इज माई शॉर्टर ये भी रॉन्ग है तो वाई जो है वो छोटा होता है और एक्स जो है वो रॉड शेप्ड होता है बी ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा नेक्स्ट है हमारे पास एम सी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है लास्ट एम सी क्वेश्चन वट डज द टर्म हेट्रोमॉर्फिक रेफर टू द कंटेस्ट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स हेट्रोमॉर्फिक जो अकॉर्डिंग टू द सेक्स क्रोमोसोम्स जो है वो क्या चीज़ को रेफर करता है हैविंग सिमिलर सेक्स शेप्ड सेक्स क्रोमोसोम्स हेट्रो का मतलब ही हमारे पास जो है हेट्रो जो लफज है उसका मतलब होता है डिफरेंट और मॉर्फिक का मतलब होता है शेप तो डिफरेंट शेप जो है वो हमारे पास होगी और उसने पूछा कंटेक्सट ऑफ इन कंटेक्स्ट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम तो डिफरेंटली शेप्ड सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे तो उसको हैट्रोमॉर्फिक कहा जाएगा बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो तमाम तरह सी कुछ जब कम्प्लीट होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स के उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और आइकन को प्रेस कर लें इस वीडियो में तरह ही मिलेंगे एक वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज